जानवर चीज या कोई जगह, इन सब के जो नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, नाउन। अब इसके अंदर जो है नाउन को अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है योर शूज आर बिहाइंड द डोर, तुम्हारे जूते जो है वो दरवाजे के पीछे हैं। अच्छा, इसके अंदर है दो नाउन, पहला नाउन क्या है शूज, शूज क्या है थिंग, और दूसरा नाउन क्या है डोर, डोर भी क्या है थिंग, तो इन दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड है सना इज टेकिंग हर डॉग टू द पार्क, सना अपने डॉग को पार्क लेके जा रही है। इसके अंदर हमारे पास तीन नाउन है, पहला नाम है सना, सना एक पर्सन है, दूसरा नाम है डॉग, डॉग की एक एनिमल है, और तीसरा नाम पार्क, पार्क क्या है एक प्लेस, तो इन तीनों का अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा सर्कल द वर्ब, वर्ब जो है इसको सर्कल करना है। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक एक्शन होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन करने को जो वर्ड यूज होता है, कोई भी एक्शन करने के लिए उसको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं वर्ब। अच्छा, पहला सेंटेंस है यू शुड नॉट फीड या फिर मीट द डू एनिमल। अच्छा, फीड का मतलब होता है खिलाना और मीट का मतलब होता है जरूरत। तो अगर हम पहला वर्ड यूज करते हैं कि हमें डू एनिमल्स को नहीं खिलाना चाहिए, और दूसरा वर्ड यूज करें नीट का कि हमें डू एनिमल्स की जरूरत नहीं चाहिए, तो दूसरा जो सेंटेंस है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ऑब्वियसली इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे फीड का, तो उसको हम सर्कल कर देंगे। अच्छा, दूसरा है देयर आर या फिर इज फोर ऑरेंजेस इन द बास्केट। अच्छा, आर कब यूज होता है, आर ऊपर का कब यूज होता है, जब मोर देन वन थिंग, जब कोई एक से ज्यादा चीज हो तब आर यूज होता है, और जब कोई सिंगुलर चीज यूज हो एक चीज इस्तेमाल हो तो उसके लिए इज यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर ऑरेंजेस की बात हो रही है, तो फोर मतलब वन से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड अंडरलाइन सर्कल करेंगे आर। अच्छा, लास्ट है रीअरेंज द लेटर्स इन ब्रैकेट टू मेक एडजेक्टिव्स। अच्छा, हमें जो है यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं उनको हमें रीअरेंज करके सेंटेंस के अंदर पुट करना है, ठीक है। पहला है प्लीज गिव मदर अ डैश टोमेटो, अपनी अम्मी को एक टोमेटो दो। टोमेटो क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। अच्छा, रेड के अंदर कौन सा अल्फाबेट यूज होता है, आर ई डी, ठीक है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे आर है, आर भी है, ई भी है और डी भी है, तो हमें इसको रीअरेंज करके क्या वर्ड बनाना है रेड, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे रेड को रीअरेंज करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दैट इज अ डैश पेंटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम ये वर्ड्स देखते हैं तो इसमें लगता है, पता चलता है कि इसके अंदर क्या लिखेंगे, जिसमें डैश पेंटिंग, ये एक डैश पेंटिंग है, कैसी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो ये जो वर्ड है बेसिकली है, इसके अंदर जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं वो ब्यूटीफुल वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं वो इसके अंदर हमें रीअरेंज करके इसमें दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको हम रीअरेंज करके अंडरलाइन करके अंदर लिख देते हैं। आज का जो हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अल्लाह।